नमस्कार 24 आवर्स स्टूडियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पे। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने आज 3 असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों को सदर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श बाजार से गिरफ्तार किया है। पुलिस बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 1 पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों पर संगीन अपराधों के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश गैंग बनाकर लंबे समय से अवैध असलहों के बेचने खरीदने के धंधे में लिप्त थे। गिरफ्तार बदमाश अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए अवैध असलहों की तस्करी का काला कारोबार कर रहे थे। पुलिस पकड़े गए बदमाशों के अन्य नेटवर्क की तलाश कर रही है। कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 मोटरसाइकिल सवारों को रोका जो संदिग्ध थे, जिनके बारे में एक सूचना भी प्राप्त थी। पुलिस को रोकते हुए देखकर उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सफलतापूर्वक उन्हें रोका, चेकिंग की उनकी, तो उन तीनों के पास एक एक कंट्री मेड असलाहा मिला है, जिसमें 1 पिस्टल है और 2 315 बोर के कट्टे हैं कारतूस सहित। इनसे पूछताछ करने पर मालूम पड़ा कि ये 8-10 लोगों का एक गिरोह है, जो आपस में मारपीट करते हैं, वर्चस्व की लड़ाई करते हैं और बड़ी सफलतापूर्वक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ने जब उनके डिटेल्स और निकाले, सीओ सिटी स्वयं मौजूद थे और उन्होंने उसकी चैट हिस्ट्री देखने का प्रयास किया, तो उसमें एक हत्या के षड्यंत्र का भी सूत्र मिला है, जिसको हम लोग आगे विकसित कर रहे हैं। जो पीड़ित हो सकता था उसको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है और इस बरामदगी से निश्चित रूप से एक हत्या या हत्या का प्रयास भी रोका जा सका है। उल्लेखनीय है कि कल लोकसभा चुनाव घोषित हो गए हैं, इसके बाद जनपदीय पुलिस पूरी तेजी के साथ निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। जो अवैध असलहे हैं, शराब, मादक पदार्थ या फेक करेंसी, इन सब के बारे में प्रभावी कार्रवाई करेगी। गाजीपुर से 24 आवर स्टूडियो न्यूज के लिए आरिफ वारसी की रिपोर्ट।